वेलकम गाइस टू स्टडी कैंप। एंड आज हमने पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 11। एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री। बिफोर गोइंग टू दैट आई वांट टू टेल यू सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड माई सेल्फ अजय कुमार बेहरा। आई हैव कंप्लीटेड माई एम एस सी फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा and currently working as a senior research assistant at the Central Water Commission, Government of India. And मैं ये बात कहना चाहूँगा, ये मेरा एक पेशन है कि मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूँ, और इसलिए मेरा छोटा सा प्रयास है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। और ये फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आता है, और ये केमिस्ट्री का मतलब पढ़ने का मतलब क्या होता है। ये जैसे डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन को तुम्हारा बुक से ही उठाया हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं टोटल हम एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और हम बहुत सारे रेफरेंस बुक चेस कर लेते हैं, उसका मतलब कुछ बन नहीं बनता है। क्योंकि हम पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, उसको डीकोड करें, और इससे मैं आज तक मैं जितना मैं कम से कम 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में, और इसमें मैं जितना जानता हूँ कि जितना हमारा क्वेश्चन सब आता है नीट और जे आप दे रहे हैं, और स्पेशली आईआईटी जेई जो मेन है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा जाता है। तो हम अगर एनसीईआरटी को पूरा क्लियर से जान ले तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और उसमें इसलिए मैं एनसीईआरटी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा यहाँ पर। और धीरे धीरे जैसे हम आगे जाएंगे और एडवांस एडवांस क्वेश्चन करते लगेंगे, इसीलिए हमको आसान होगा। तो पहला बात, केमिस्ट्री क्या होता है ना, केमिस्ट्री डील करता है किसके ऊपर, जो मैटर का कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर से और प्रॉपर्टीज से, ये तीन के ऊपर डील करता है। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर आप छोटा सा एक डस्टर ले ले, उसी से अगर आप उसको पूछे इस डस्टर का केमिस्ट्री क्या है, तो मुझको उसका कंपोजिशन स्टडी करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा, और इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे हम स्ट्रक्चर में आप बता सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, और प्रॉपर्टीज में हम बता सकते हैं कि ये बहुत हार्ड है, और ये फिजिकल मैटर है, और ये कंपोजिशन में हम किसी से बना है, जैसे ये डस्टर है ऊपर, उसका ऊपर वाला पार्ट जो सेल्यूलोज मटेरियल से बना है आप सबको पता है। और हम उसके बाद जो इसका कंपोजिशन और नीचे जाकर जाएंगे, मैं यही बोला कि डस्टर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सेल्यूलोज में बनता है, अगर हम नीचे से जाए वो सेल्यूलोज फिर उससे कैसे बनता है, क्योंकि अगर हम नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे सारे जितना मैटर है मॉलिक्यूल्स में बना होता है, सारे जितना मॉलिक्यूल है, जैसे सेल्यूलोज में सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल्स होगा, और जैसे कोई मतलब लकड़ी, सारे लकड़ी तो वगैरह सेल्यूलोज वगैरह आता है, और हम जैसे कॉपर लेंगे वो कॉपर भी बना हुआ है कॉपर का मॉलिक्यूल से, जो हम अगर आता है एल्युमिनियम लेंगे तो एल्युमिनियम मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और ये मॉलिक्यूल्स कैसे बने होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स भी चार्जलेस होते हैं, और मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से, बहुत सारे एटम्स वो मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे दो एटम भी हो सकते हैं, मिनिमम दो एटम भी हो सकते हैं, जैसे हम हमारा घर में हम यूज करते हैं टेबल सॉल्ट वगैरह NaCl, उसमें NaCl एक मॉलिक्यूल है मगर उसमें दो एटम्स है, जैसे सोडियम और क्लोराइड है दो एटम्स, तो हम इसी से समझ में आता है। तो उसके नीचे अगर जाएंगे वो कैसे बना होता है, एटम्स कैसे बना होता है, ये तीन चीजों से जनरल एटम्स बना होता है, एक है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, आपको आपका निचले वाले जो क्लासेस में आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मतलब एक आटम को बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, और इसका जो ऑर्बिट होता है वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होता है,
तो उसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे कि साइंस क्या है, और उसमें ये जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, पूरा जो डिटेल हम साइंस पढ़ रहे हैं उसमें केमिस्ट्री एक जो पार्ट बोलते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ हम पढ़ेंगे कि साइंस हम क्यों पढ़ते हैं और उसका बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मैं जैसे आपको बताता हूँ, ह्यूमन बीइंग आज से, जब से मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तब से ह्यूमन बीइंग कंस्टेंट उसका एफर्ट रहा है कि वो नेचर को डिस्कवर करे, क्योंकि जैसे हम नेचर को हम देख देख कर बहुत सारी चीजें सीखी है, ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीजें सीखी है। जैसे कोई परिंदे उड़ता है उसी से वो सीखी है कि कैसे एरोप्लेन वगैरह बनाना है, इसी है हम पूरे नेचर को स्टडी कर रहा है। जैसे झरने से पानी नीचे गिर रहा है तो नीचे पानी क्यों गिर रहा है, इसी वजह से उसका पीछे क्या फोर्स है, हम उसी को ही मतलब ह्यूमन बीइंग जो भी नेचर को एक्सप्लेनेशन किया उसी को साइंस कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन तुम्हारा बुक में लिखा हुआ है, साइंस इज द कंटिन्यूअस ह्यूमन एफर्ट टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर। सो साइंस इज नथिंग, साइंस इज ए कंटिन्यूअस ह्यूमन एफर्ट टू अंडरस्टैंडिंग द नेचर, वही तो हम साइंस कहते हैं। और उसी के ऊपर हम बार बार रिसर्च करते हैं और नया नया फाइंडिंग्स हमको आता है। जैसे अभी तो कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद अगर हम सक्सेस हो जाए, भगवान करे हम सक्सेस हो जाए कि उसका वैक्सीन बनाने में, अगर हम वैक्सीन बना ले तो ये एक साइंस हो गया। तो एक वायरस के एग्नेस्ट में हम जो वैक्सीन बनाए ये भी एक साइंस हो गया। तो ये साइंस का मतलब बेसिक डेफिनेशन है। और उसमें एक ब्रांच है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री जैसे आप पहले आपको बोल चुका था कि केमिस्ट्री इज नथिंग, केमिस्ट्री स्टडी करता है जितना हमारा मैटर है। मैटर क्या बोलते हैं, मैटर आप जो भी चीजें मतलब नेचर में जो भी चीजें आप देखते हैं, आपके अगर स्टडी टेबल पे कोई लैपटॉप है, कभी कोई स्टडी टेबल पे कोई टेबल लाइट लैंप है, जितना चीजें है वो सब किससे बन, वो सब किस क्या कहला जाता है, मैटर है। आप पेन में लिखते हैं वो भी एक मैटर है। तो ये सारे जो चीजें उसका कंपोजिशन प्रॉपर्टीज और इंटरैक्शन पढ़ना को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, और हम इसमें मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज नेचर। एंड यहाँ पर देखिए, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इट इज कॉल्ड इज मैटर। देखिए कोई भी चीजें अगर उसमें कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हो और उसमें मास हो तो उसको हम मैटर बोलते हैं। और हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं बुक, पेन, पेपर एटसेट्रा, जितना हमारा चीजें आपके पास में, आपके रूम में, आपका घर में हजार चीजें मिल जाएंगे जो मैटर है। और ह्यूमन बीइंग ही मतलब ह्यूमन बीइंग जो जिसमें बना हुआ है वो भी एक मैटर है। और इस मैटर में तीन स्टेट होते हैं, आप पिछले वाले क्लास में पढ़े होंगे कि नेचर का तीन स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये एक भी मतलब अभी साइंस इतना इवॉल्व हो चुका है, उसको और भी एक स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, मगर वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में पॉसिबल होता है, वो है प्लाज्मा स्टेट। वो शायद 6,000-7,000 डिग्री सेल्सियस में प्रेजेंट होता है, वो सिर्फ सन में पाया जाता है। देखिए, और मैं इसमें छोटा सा टेबल बना के उसको क्लासिफाई कर दिया हूँ, ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है नेचर का, और प्रॉपर्टीज के हिसाब से, और सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। शेप में सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, और गैस का तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और लिक्विड को हम जिस शेप में रख ले वो वही सब ले लेता है, जैसे हम कोई बकेट में रख ले तो बकेट हो जाता है, बकेट का शेप ले लेता है, कोई ग्लास में रख ले तो ग्लास का शेप ले लेता है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉलिड है पे कंस्टेंट वॉल्यूम, हर सॉलिड का एक वॉल्यूम होता है, आप रेक्टेंगल ले ले, आप स्फीयर ले ले, आप सबका वॉल्यूम होता है। और लिक्विड, लिक्विड में भी उसका भी एक कंस्टेंट वॉल्यूम होता है, और गैस का भी एक कंस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो उसके बाद हुए इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है जो मोलिकुल मोलिकुल का बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है। और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पे सॉलिड पे वेरी लेस होता है, लिक्विड पे वेरी लार्ज होता है, और गैस में तो वेरी वेरी लार्ज होता है। गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर पे होते हैं, इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज में होते हैं। और सॉलिड में इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वेरी स्ट्रांग होता है, लिक्विड में भी आपको
बहुत लेस कंपेरेबल टू सॉलिड है, और गैस में तो बहुत बहुत कम है, आप जानते होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। और नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कैसे क्लासिफिकेशन, ये जो छोटा सा पिक्चर है मैंने लिया है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक से। और मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, मैटर को दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है मिक्सर और एक है प्योर सब्सटेंस। और मिक्सर को दोनों टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सर, एक है हेटरोजीनियस मिक्सर। और मैटर में जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के रूप में। और मिक्सर को, जो मिक्सर पहले एक एक करके देख लेते हैं। मिक्सर क्या होता है, अगर टू और मोर सब्सटेंस एक डेफिनेट रेशियो में मिला होता है उसको हम मिक्सर बोलते हैं। जैसे हम दुनिया में बहुत सारे मिक्सर आपको मिल जाएंगे, और पानी में आप और कुछ चीजें मिले, शक्कर मिला लिया, कोई गुड़ मिला लिया, जो भी चीजें मिले लिए वो मिक्सर हो जाता है एक। और प्योर सब्सटेंस क्या है, और भी मिक्सर, सॉलिड मिक्सर भी पॉसिबल है। जैसे गोल्ड में हम कॉपर मिलाते हैं वो भी एक सॉलिड मिक्सर है। मिक्सर के मतलब आप सोचना नहीं, सब लिक्विड में होता है। मिक्सर सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है। और प्योर सब्सटेंस क्या क्या होता है, प्योर सब्सटेंस तो आपको बहुत कम मिलेगी नेचर पे। कोई भी चीजें हम जितना भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो 100% प्योर नहीं होता है। और 99 पॉइंट समथिंग प्योर होता है, और किसी का भी 90% प्योर होता है। तो नेचर में कोई भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, फिर भी एक वर्चुअली हम मान के चलते हैं। और प्योर सब्सटेंस को हम दो दो टाइप के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। तो हम मिक्सर को जो क्लासिफाई करेंगे, मिक्सर को फिर दो दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सर, एक है हेटरोजीनियस मिक्सर। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सर, होमो मीन्स सेम, एंड होमोजीनियस मिक्सर में क्या होता है, इसमें जितना पार्टिकल्स, हम जो मिक्सर का जो कंपोनेंट्स होता है वो सेम स्टेट में होता है, आप इतना समझिए। एक्चुअली वो सेम फेज में होना चाहिए आपके लिए। अभी मतलब फेज समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो स्टेट समझिए, तो सेम स्टेट में होता है। मगर अगर चीनी के साथ में गुड़ मिला दिया, वो एक मतलब सफेद वाला जो चीनी होता है सॉलिड फॉर्म में, वो एक होमोजीनियस मिक्सर है। मगर हेटरोजीनियस मिक्सर क्या होता है, जैसे कोई स्टेट डिफरेंट हो, स्टेट आपको डिफरेंट मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ पर मैं एग्जांपल दिया हूँ कि मिक्सर, जैसे होमोजीनियस मिक्सर है, मिक्सर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, वो सेम स्टेट में है तो ये होमोजीनियस है। और यहाँ पर मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ये हेटरोजीनियस, ये होमोजीनियस मतलब ये है कि हेटरोजीनियस मिक्सर है। ये है, थोड़ा यहाँ पे मैं गलती कर दिया हूँ, उसको थोड़ा देख लेना। एक्चुअली यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सर नहीं होना चाहिए, हेटरोजीनियस लिखा होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं होमोजीनियस लिख दिया हूँ, गलती के लिए माफ करना। और थोड़ा आगे जाइए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और बाद में स्टे ट्यून फॉर द मोर अपडेट्स, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड बाद में बहुत अच्छे अच्छे चीजें हम जानेंगे कि कैसे कैसे मैटर तैयार होता है और कैसे कैसे मैटर आगे बढ़ता है। थैंक यू।